तो गैस मैं हूँ कि आप देख रहे हैं डब्ल्यू फैंस नेटवर्क। तो गैस क्या रेसलमेनिया 36 में हमें ट्रिपल एच वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच देखने को मिलेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब इसके पीछे की पूरी अपडेट्स और स्टोरी क्या आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, इसे लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस देखिए पूरी स्टोरी क्या है। यहाँ पे हमें पता है जो रोमन रेंस है उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाले शोज अटेंड नहीं करेंगे, जिसमें कि रेसलमेनिया भी इंक्लूडेड है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी दिखाना चाहती है कि गोल्डबर्ग और रोमन रेंस का जो मैच है रेसलमेनिया 36 के लिए वो अभी भी ऑन है। लेकिन अंदर की बात सबको पता है, सबको पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। रोमन रेंस जो है उन्होंने ऑफिशियली क्लियर कर दिया, ये बात सबको पता है। अब भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना भी बहाना मार ले लेकिन वैसा कुछ होने नहीं वाला। अब जैसा कि देखो आज हुआ क्या, हमने देखा आज किस स्मैकडाउन में कि रेसलमेनिया 32 का जो मैच था रोमन रेंस और फिर ट्रिपल एच का, उसे प्ले किया गया और जहाँ पे रोमन रेंस ने हराया था ट्रिपल एच को। अब देखो गाइस उस मैच के बाद होता क्या है, माइकल कोल जो है वो बैक स्टेज ट्रिपल एच से इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ पे कि गाइस ट्रिपल एच से उसे पूछा जाता है कि आप रोमन रेंस और यहाँ पे गाइस जो कि हमारे हो गए गोल्डबर्ग, दोनों में से किसको चाहते हो या फिर किसको चाहते नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है, आपके हिसाब से आपके ओपिनियन क्या है, ट्रिपल एच से माइकल कोल पूछते हैं। तो गाइस यहाँ पे माइकल कोल किस क्वेश्चन का जवाब देते हुए ट्रिपल एच कहते हैं कि दोनों ही सुपरस्टार काफ़ी अग्रेसिव हैं, काफ़ी इंटेंस एक्शन और काफ़ी इंटेंस फाइट करते हैं। लेकिन उन्होंने गाइस यहाँ पे ये कहा कि अगर मैच धीरे धीरे लंबा होता जाता है तो ऐसे में रोमन रेंस का जो इंटेंसिटी होता है वो और बढ़ते जाता है मैच के साथ और रोमन रेंस और अग्रेसिव होते जाते हैं। और वही गोल्डबर्ग के अगेंस्ट हम कंपेयर करें तो रोमन रेंस मैच बढ़ते के साथ ज़्यादा अग्रेसिव और इंटेंस होते जाते हैं। और यहाँ पर ट्रिपल एच लास्ट कहते हैं कि उन्हें लगता है कि रोमन रेंस जीतेंगे और ऐसे में वो रोमन रेंस पे पैसा लगाना चाहते हैं, यानी रोमन रेंस अगर वो शर्त लगाए तो वो रोमन रेंस को सोचने की जीतेंगे। और ऐसे में गाइस हमें पता है कि रोमन रेंस जो है वो नहीं आने वाले रेसलमेनिया 36 में, यानी कि कोई बंदा रिप्लेस करेगा रोमन रेंस को। और काफ़ी सारे रूमर्स आपने सुने कि ब्रॉन स्ट्रोमन हो सकते हैं, जी हाँ गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊं ट्रिपल एच किसी इंटरव्यू के बाद लगता है कि ट्रिपल एच शायद रोमन रेंस को रिप्लेस करें और हमें ट्रिपल एच वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच देखने को मिले। तो पॉसिबली अभी एक स्मैकडाउन बचा है और उस स्मैकडाउन में गोल्डबर्ग आए और वो बात करें ट्रिपल एच से कि आखिर भैया आपने ऐसा बोला क्यों, और पूरी स्टोरी रिवाइंड की जाए और फाइनली जाके ये मैच को ऑफिशियल किया जाए, गोल्डबर्ग वर्सेस ट्रिपल एच फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 36। अगर आपको नहीं पता तो अभी तक ट्रिपल एच ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीती है, तो पॉसिबली गाइस हो सकता है कि जो ट्रिपल एच है वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो नई वाली है वो जीते हैं। और यहाँ पे गाइस ये पूरी कहानी है, यही अभी तक की पूरी अपडेट्स है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो के इतना ही था, हो सके तो जाते हैं इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें। तो फिर मिलता है भाई नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।